अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं एजी इनक्यूबेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस इनक्यूबेटर के बारे में आपको बताऊंगा। ये 30 रूम का इनक्यूबेटर है विद ऑटो इन्वर्टर के साथ। इट्स मीन ये इनक्यूबेटर ऑटो इन्वर्टर के साथ है। जैसे लाइट आएगी तो ये लाइट भी चलेगा, जैसे लाइट चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा बैटरी के ऊपर। ये हमारे अपने कस्टमर है अतीक भाई, जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर कोटली से है। उन्होंने हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखी और उन्होंने हमें ऑनलाइन ऑर्डर दिया और ये ऑटो इन्वर्टर के साथ है और ये बैटरी को चार्ज नहीं करता, सिर्फ बैटरी से ये इनक्यूबेटर चलेगा। तो चलते हैं जी इसकी तरफ। जी तो दोस्तों अब ये इस वक्त ऑन हो रहा है, लाइट के ऊपर है। मैंने बैटरी की एलिगेटर क्लिप्स नहीं लगाई हुई, ये मैंने इसको लाइट पे ऑन किया। जैसे बंद करूंगा ये टोटली बंद हो जाएगा। ये मैं प्लग निकाल देता हूँ। ये 220 वोल्ट का बोर्ड है और अब मैं ये जो इसकी बैटरी है यहाँ पे रखता हूँ। मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा कि इसकी जो बैटरी है ये कितने घंटे तक चल सकती है, बैकअप दे सकती है ये जो 50 एम्पीयर की बैटरी है। ये जो इसके एलिगेटर क्लिप होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी इसके जो एलिगेटर क्लिप हैं रेड और ब्लैक के हैं। रेड जो है वो पॉजिटिव पे लगेगी, जो ब्लैक है ये नेगेटिव क्लिप पे लगेगी। ये जैसे मैं लगाऊंगा तो ऑटो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, साथ में इसका इनक्यूबेटर ऑन हो जाएगा। और जैसे मैं प्लग इन करूँगा यहाँ से लाइट ऑन करूँगा, इसका ऑटो इन्वर्टर कंप्लीट बंद हो जाएगा और ये इनक्यूबेटर जो टोटली है वो शिफ्ट हो जाएगा बैटरी के ऊपर, सॉरी लाइट के ऊपर। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एलिगेटर क्लिप्स लगा दिए। जैसे इसको इधर से बंद करेंगे ये देखें चंद सेकेंड के अंदर ये शिफ्ट हो जाएगा बैटरी के ऊपर। और इसलिए इसके बल्ब ऑन नहीं हुए क्योंकि टेम्परेचर कंप्लीट हो चुका है। जैसे 37.0 पर आएगा तो ये दोबारा से इसका ये छोटी लाइट जो ऑन होगी इसका मतलब ये समझेंगे बैटरी पे चल रहा है। इसका ये छोटा बटन है, जैसे इसको ऑफ करेंगे पूरा इनक्यूबेटर ऑफ हो जाएगा, चाहे वो लाइट पे हो चाहे वो बैटरी पे हो जिस चीज पे हो। इसको अब मैं ऑन करूंगा पूरा इनक्यूबेटर ऑन हो जाएगा बैटरी के ऊपर। तो ये जरा इसका सीन है। और मैं ये भी आपको दिखाऊं, इसके अंदर 60 वाट के दो बल्ब लगे हुए हैं और अगर ये इन्वर्टर ख़राब हो जाता है अनफॉर्चुनेटली तो इसके स्क्रू लगे हुए हैं, तो आप इसको खोल के किसी भी टेक्नीशियन के पास ले के जा सकते हैं। ये जो प्लग है इसका फीमेल जैक लगा बना के आप 220 वोल्ट में लगा सकते हैं। ये इनक्यूबेटर आपका UPS के ऊपर और लाइट के ऊपर बैटरी के ऊपर आराम से काम कर सकता है। अगर तो बात करें 260 वाट के बल्ब इसके ऊपर कितना बैकअप दे जाएंगे, तो 260 वाट के बल्ब अगर बैटरी बिल्कुल न्यू है, 50 एम्पीयर की बैटरी न्यू है, ये 50 एम्पीयर की है ओसाका की न्यू बैटरी है, एफिशिएंसी ठीक है, तो ये आराम से 2.5 से 3 घंटे बैकअप दे जाएगा 260 वाट के बल्ब लगे हुए। तो ये इसका सीन हो गया। अब मैं अंदर का सीन आपको दिखाता हूँ, अंदर का सीन दिखाता हूँ। याद रहे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये इस पर आप नंबर कॉल भी कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। और ये हमने एक लॉक लगाया हुआ है फ्रंट पे, इसका शीशा है। अंदर आप देख लेंगे चेकिंग के बराबर में टेम्परेचर देखें, ह्यूमिडिटी चेक, हमने सारा कुछ चेक करके कस्टमर को देते हैं। और इसके ऊपर अंडे आएंगे नीचे, इसकी स्प्रे पानी बिल्कुल फुल रहेगा 22 के 22 दिन। और ये इसके आप फैन वगैरह चेक कर लें, ये फैन जी इसका फैन है और दो बल्ब हैं वो भी कॉर्नर पे हमेशा की तरह जैसे मेरी डिजाइनिंग होती है। तो ये जी इनक्यूबेटर इंशाल्लाह हम आज इनको डिलीवर करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।